Good morning, sir. So I have a question for you. You have been making films using audio and visual as your medium, and I wanted to know that how important has sound been in your films and in your life? Sound has been a very significant part of my life. People know me for visuals, but they don't know that how much I work for the sound. Because this is called an audio-visual medium. So audio comes first, visual comes second. So the sound is the most important part in our life. Somebody asked me this question, ki sir, aapne Whistling Woods ka naam Whistling Woods kyun rakha? So I tell them a story. कि विस्लिंग वुड्स मैंने नाम इसलिए रखा कि ये एक क्रिएटिव प्लेस है और क्रिएटिव प्लेस का नाम क्या हो सकता है. देन आई इमेजिन कि एक माउंटेन है, वहाँ पर ट्रीज हैं, वुड्स हैं और वहाँ पर हवा चलती है ज़ोर से. तो एक आदमी दूर से ऑब्जर्व करता है उसको, वो उसके पास जाता है, उसके बम्बूज को काटता है, उसमें 6 होल्स बनाता है, फिर वो हवा से, अब मुँह की हवा से उसको बजाता है और वो बांसुरी बजती है. द म्यूजिक इज बॉर्न. सो द मैन वॉज कनेक्टेड टू द नेचर, लुकिंग एट द वुड्स ऑफ ए जंगल एंड ही क्रिएटेड ए बैम्बू म्यूजिक आउट ऑफ बैम्बू. सो दिस इज ए प्लेस वेयर यू क्रिएट विद द यूनिवर्सल एनर्जीज एंड देन यू कैन क्रिएट ऑल काइंड ऑफ सिनेमा, ऑल काइंड ऑफ प्लेस, ऑल काइंड ऑफ साउंड, म्यूजिक, वोकल्स, एवरीथिंग. सो ये तो राज है विस्लिंग वुड्स का. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑडियो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, आम जीवन में भी. आप उठते हैं तो बात करते हैं, सोते हैं तो बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बात करते हैं, गाते हैं तो आपकी आवाज़ आती है. जो साउंड है उसका जो इम्पैक्ट है उससे आपकी पर्सनैलिटी पता लगती है. साउंड तो हज़ारों साल से है, मिलियन से, जब से यूनिवर्स बना है तब से साउंड चल रही है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज साउंड? साउंड इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू एयर, वाटर, सॉलिड थिंग्स, यू नो, ऑब्जेक्टिंग, मीटिंग ईच अदर. व्हेन द वेव्स वाइब्रेट थ्रू वेरियस ऑब्जेक्ट्स देन साउंड हैपन्स. 6 BC में मिस्टर गैलीलियो, ही रिकॉग्नाइज द साउंड एंड ही स्टार्टेड playing with his strings and trying to catch the tune part of it over there. वहाँ से म्यूजिक का एक ओरिजिन शुरू हुआ, अगर आप कहें तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का. एंड मिस्टर पाइथागोरा 6th century में ही एक्सपेरिमेंटेड विद द स्ट्रिंग्स वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग्स एंड क्रिएटिंग ए ट्यूनिंग ऑफ अ म्यूजिक. इन 1681 मिस्टर रॉबर्ट हुक ही प्रोड्यूस द साउंड वेव्स नोन एज फ्रिक्वेंसी रोटेटिंग ए कॉग व्हील. अब आप सोचो कि इतने सैकड़ों साल पहले जब साउंड के एक्सपेरिमेंट होते होते आज हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पर साउंड जो है एक डिजिटाइज हो चुकी है और वेव्स के थ्रू ही, इनके थ्रू ही हम साउंड क्रिएट कर सकते हैं. जब मैं छोटा सा तो भी मैं तरह तरह की साउंड सुनता था कि पक्षी की साउंड है, ये साउंड कैसी है, हवा की साउंड कैसी है. रेडियो में भी अगर वर्ल्ड म्यूज़िक चल रहा है तो वर्ल्ड म्यूज़िक के पीछे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं वो भी मैं सुनता था छोटा होते भी. फिर मैं पढ़ते पढ़ते जब इस वक्त मैं FTI में गया तो वहाँ मेरे गुरु थे ऋत्विक घटक. ऋत्विक घटक वाज़ ए फिल्म मेकर जो साउंड पे बहुत बड़ा काम करते थे. वो बताते थे कि आप पूरी पिक्चर की स्टोरी इम्पैक्ट थ्रू साउंड बता सकते हैं. उन्होंने कहा कि आप बिना वोकल्स के, बिना चेहरा दिखाए भी आप क्रिएट कर सकते हैं स्टोरी, और उन्होंने की. सो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम. एंड सिनेमा में जब उससे पहले देखता था तो मेरे बड़े फेवरेट जो डायरेक्टर्स थे जैसे डेविड लीन थे या फिल्म लाइक जॉज, फिल्म लाइक स्टार वॉर्स, तो मैं उस पूरी फिल्मों को जब देखता था मैं उस साउंड ही सुनता रहता था. मैंने 3-3 बार पिक्चर देखी. एक बार तो मैंने पिक्चर के इम्पैक्ट के लिए देखी, दूसरी बार मैंने साउंड सुनने के लिए दोनों पिक्चर देखी. इसलिए वो जॉज को अगर आप टेलीविज़न में देखें या मोबाइल में देखें तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो थिएटर है उसका जो एम्बियंस है उसका जो क्रिएट करता है. द साउंड टेक्स यू टू कश्मीर, साउंड टेक्स यू टू हेवन, साउंड टेक्स यू टू द मून. अब मून जब पहुंचते तो आपको लगता है मून में आ गया हूँ बिकॉज ऑफ द साउंड.
इंसेप्शन अगर आप पिक्चर देखें तो व्हाट इज साउंड, सो द साउंड गिव्स यू द एक्सपीरियंस टू बी इन थिएटर, इन सिनेमा हॉल. और हमारी साउंड जो है आहिस्ता आहिस्ता हर 10 साल के बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में बहुत इम्प्रूव हुई है. आज तो बहुत ही अच्छी है और एवरीथिंग इज अवेलेबल टुडे कि इवन द विस्पर, इवन द ड्रॉप ऑफ द पिन इज हर्ड. जब मैं फिल्में बनाता था 80s 90s 2010 तक, तब तक 80s में तो ऐसा होता था कि अगर अपनी साउंड लेनी है तो आर्टिफिशियल क्रिएट करनी पड़ती थी. आई रिमेंबर FTI में जब मैं था, मैं आई यूज टू डू प्ले लाइक ए फॉली बॉय, तो साउंड डिपार्टमेंट यूज टू कॉल मी कि सुभाष जी आप जरा साउंड क्रिएट करो, एक तूफान की साउंड चाहिए. तो मैं कहता आई विल डू दैट. और उस वक्त ऑप्टिकल था तो सिनेमा में उस वक्त रिकॉर्ड करते थे आर्टिफिशियल साउंड को, और वो साउंड को रिकॉर्ड करके फिर वो फिल्मों में बताते थे. मिस्टर बिमल रॉय वॉज माई फेवरेट फिल्म मेकर. उनकी फिल्में मैं खाली साउंड के लिए देखता था. अगर यू सी बंदनी, सुजाता, ही यूज टू यूज दैट साउंड, क्रिएटिव साउंड सो ब्यूटिफुली. अब ध्यान से अगर कोई भी फिल्म, आज एक्शन फिल्म देख लीजिए, उसमें साउंड म्यूट कर दीजिए और खाली आप एक्शन देखिए, आपको इतना बोरिंग और आर्टिफिशियल और डल लगेगा. और फिर उसको दोबारा चला के देखिए बैकग्राउंड स्कोर से और साउंड इफेक्ट से. वही आपको ऐसे डरा देगा, यू विल रिएक्ट ऑन इट. लेकिन उस साउंड ट्रैक का बड़े थिएटर में ज़्यादा मज़ा आता है. या फिर आपको ईयरफोन लगाएं, आप हेडफोन लगा के सुनिए, तब उसकी साउंड एम्बियंस मालूम पड़ती है. एंड आई मस्ट से दिस साउंड हैज़ इंस्पायर्ड मी टू बी मोर म्यूजिकल. म्यूजिक मीन्स हारमोनी ऑफ साउंड. तो म्यूजिक का जब हारमोनी ऑफ साउंड है तो उसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिसनिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. और फिर उसको आप जब मिक्स करते हैं उसमें हारमोनी क्रिएट करते हैं. और उसी तरह से म्यूजिक कंपोजर जो हैं पहले इमेजिन करते हैं कि ये साउंड के बाद दूसरी साउंड क्या आएगी, फिर तीसरी साउंड क्या आएंगी, फिर स्ट्रिंग्स आएगा, ब्रास आएगा, पियानो आएगा, रिदम आएगा, रिदम किस तरह से होगा. मेरी फेवरेट फिल्में रहीं उसमें से मुगले आजम थी, शोले थी, कर्मा थी, लगान, स्वदेश हैज ग्रेट साउंड, फिल्म गंगूबाई. यू सी द यूज ऑफ द साउंड दे हैव. जो डायरेक्टर साउंड को अच्छा इस्तेमाल करना जानता है और साउंड की नॉलेज रखता है और उसका प्रभाव आपकी आत्मा, शरीर और माइंड पे क्या पड़ता है, आपको पता है कि जो हॉल में बैठा हुआ ऑडियंस है का एक बंदा है उसके ऊपर साउंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. आप पहाड़ी का शॉट दिखा दीजिए और एक चीख दिखा दीजिए, लेकिन चीख से ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बुरी तरह से मर गया, बाद में दिखाइए मरा हुआ. तो पूरा इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा इज़ ए साउंड, आई वुड से. अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड विजुअल, दे हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस, बट लोग साउंड को कुछ समझते नहीं हैं. हमारे जितने एक्टर्स हैं, जितने हीरोज हैं, उनके आप वोकल पावर देखिए, दे हैव ए बेस. सलमान, शाहरुख, आमिर, बच्चन साहब, दे हैव ए बेस वॉइस. बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन क्या है कि जब बच्चन साहब की जो वॉइस आती है जब, तो बच्चन साहब की वॉइस जो है उसी परफॉर्मेंस को 3 गुना ऊपर कर देती है, क्योंकि उनका जो ऑडियो बॉक्स है इधर बड़ा स्ट्रांग है. तो एक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, एक्टर का ही नहीं, लाइफ में भी. व्हेन आई एम नरेटिंग यू अ स्टोरी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन आई नरेट इज माई प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस एंड वोकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब पहली फिल्म मुझे मिली थी, और वो किस तरह से मिली थी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे, मैंने अपना स्क्रिप्ट सुनाया कालीचरण प्रोड्यूसर को, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर सुनाओ. फिर मैंने सुनाया और तीसरी बार उन्होंने मुझे को डायरेक्शन दे दी. तो मैंने बोला आपने मुझे डायरेक्शन क्यों दी, बोला द वे यू नरेट द स्टोरी. क्योंकि मैंने क्या इतना डिटेल में स्क्रिप्ट लिखा था विद साउंड ट्रैक, कि मैंने वो जो स्क्रिप्ट सुनाता था ये भी, कि भी हीरो आया, दरवाज़ा खोला, ठकाम ढम ढम चक, सब पूरे करने से कट ये कट वहाँ गया, कट यहाँ गया, कट वहाँ गया, और पूरे साउंड इफेक्ट के साथ मैं आई वॉज नरेटिंग द स्टोरी. तो ही कुड सी द फिल्म, ये सर आई कुड सी द फिल्म सुभाष, ये कालीचरण मैं देख सकता हूँ, अगर उसको मैंने 70% भी अच्छा बना दिया तो भी ये पिक्चर हिट है, बिकॉज दिस पिक्चर हैज़ ए इम्पैक्ट. अगर मैं खाली ढीली ढीली स्टोरी सुनाता कि एक लड़का है और एक ऑफिसर है सब, वो मर जाता है, उसका जी जो है खन्ना जो है वो दूसरा गुंडे को ले आता है और उसको
प्लांट करता है, तो आपको लगता है ठीक है, इस कहानी सुनी हुई है मैंने, इसमें क्या इम्पैक्ट है। इफ़ यू सी ताल, अब ताल का अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी गाना जो है जब शुरू होता है तो एक साउंड इफेक्ट से शुरू होता है, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ उस एम्बियंस को लेके जा रहा हूँ। नहीं तो अभी हीरोइन ने गाएगी तो हीरोइन को देखेंगे लोग, तो मैं एक ऐसे डिवाइन साउंड से जा रहा हूँ। और चलते 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 कैमरा पैन होते 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 फिर वो एक रिदम पे पहुँचती है, फिर छोटे पानी का ड्रॉप साउंड होता है अगर आपको क्लिक क्लिक, फिर वहाँ से शुरू होता है, फिर वो थंडर आता है, फिर थंडर के बाद हाई थंडर आता है। अगर आपने ताल के टाइटल का म्यूज़िक देखा हो, फिर से देख लीजिए आप एक बार, तो ताल का म्यूज़िक जो है पूरा साउंड इफेक्ट्स है, आपको पता है सब बॉटल से, पानी से, कड़क कड़क कर, ठका ठक ठेका ठक, सब ऑब्जेक्ट जितने थे रहमान साहब ने सब यूज़ किए और हम लोगों ने वो टाइटल पीस जो है क्रिएट किया। इसलिए वो टाइटल पीस जब भी देखेंगे आपको लगेगा इट इज़ ओनली द साउंड विच मैटर, उसमें कोई गाना नहीं, कोई वोकल्स नहीं है और कोई मेलोडी भी नहीं है। तो इसीलिए आज ताल जो फिल्म जो है सबको याद रहती है बिकॉज ऑफ साउंड ऑल्सो, उसकी साउंड रहमान साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वोकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक्ट्रेस की जो वॉइस है वो पावरफुल होनी चाहिए। हम कहते हैं ऑडिशन देने जाते हैं एक्टर, है ना, व्हाई वी कॉल इट ऑडिशन, वॉइस कैसी है आपकी, आप बात कैसे करते हैं, आपकी वॉइस में कितना दम है, आपकी मॉड्यूलेशन कितनी अच्छी है, आपकी स्पीच कितनी क्लियर है, तब आप एक्टर बन सकते हैं। इसलिए ऑडिशन टेस्ट होता है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी बनाती है साउंड, आप किस तरह से बैठते हैं उठते हैं। मैं अगर झटके से उठ गया तो आपको लगेगा बदतमीज आदमी है, तो वो साउंड क्रिएट करेगा। आप वोकल पावर कितनी अच्छी है, वॉइस कितनी अच्छी है, कितना सहज से बोल सकते हैं आप, स्पीच कैसी है, चाहे वो आप डॉक्टर हों, लॉयर हों, लॉयर की भी आवाज़ कोर्ट में गूंजती है कि नहीं गूंजती है, तो डॉक्टर के भी एक पैशनेट इमोशनल आवाज़ चाहिए ना पेशेंट को, पॉलिटिशियन की भी आवाज़ चाहिए या नहीं चाहिए, आवाज़ सबको चाहिए, अच्छी आवाज़ चाहिए। सो मैं ये सबको सलाह दूंगा बच्चों को कि यू मस्ट वर्क ऑन योर वोकल कॉर्ड्स, बिकॉज आपके जीवन में आपका जो साउंड बॉक्स आपकी पर्सनैलिटी का है वो साउंड बॉक्स आपके गले में है, आपकी बातचीत में है। और साउंड की नॉलेज अगर आपको रखनी है तो जितना सुनेंगे आप, जितना म्यूज़िक सुनेंगे उतना म्यूज़िक का सेंस पड़ेगा, जितना आप सिनेमा की साउंड सुनेंगे उतना सिनेमा का इम्पैक्ट आपके माइंड में बढ़ेगा। अब मुझे याद है कि जब मैं फिल्में राम लखन कर्मा ये फिल्में जब बनाई थी तो हम लोग साउंड में बहुत काम करते थे, हमारे गुरु थे मंगेश देसाई, वो साउंड मिक्सिंग में बैठते थे राजकमल स्टूडियो में, एक एक सीन को हम एक एक दिन लगाते थे सिर्फ उसको मिक्स करने में। मुझे याद है कि जो कर्मा मैंने फिल्म बनाई थी उसमें हमने 6 ट्रैक्स साउंड यूज़ किया था, और उस टाइम पर ऑप्टिकल एक ही ट्रैक चलता था, ज़्यादा चलता नहीं, अब थिएटर भी नहीं चल रहे थे, थिएटर में भी साउंड अच्छी नहीं होती थी, डॉल भी नहीं था उस वक्त। फिर मैंने मेहनत करके उसमें इतना इम्पैक्ट डाला साउंड से, हमने 25-30 दिन सिर्फ साउंड पर काम किया, साउंड की मिक्सिंग पे। क्रिएटेड ऑल इमोशन ऑन राइट इफेक्ट्स व्हाटएवर वी वांटेड इट एंड बिकेम अ बिगेस्ट हिट, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। मोर देन दैट इट एनहांसेस योर हारमोनी। अब देखिए आप समाधि लगाते हैं, आप साइलेंस में चले जाते हैं, साइलेंस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द साउंड, बिकॉज आपको साइलेंस में जाना बहुत ज़रूरी होता है, साइलेंस में भी एक साउंड है, साइलेंस में भी एक साउंड है, अगर आप उसको महसूस करते हैं तो आप शून्य में जा सकते हैं, आप एकदम डिवाइन पावर में पहुंच गए और वहां से एक नई साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं। आप जहां से डिवाइनिटी शुरू होती है, आत्माएं शुरू होती हैं, वहां पर सब साउंड है। आप ओम का साउंड सुनिए, ओम कहां से ओरिजिनेट हुआ था, सुनिए फिर आपको पता लगेगा। सो इफ यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनैलिटी रियली ए पावरफुल, टेक केयर ऑफ योर ऑडियो,
That's very important. Thank you very much.